अस्सलाम वालेकुम। और आप सब कैसे हो? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम बना रहे हैं तूर की दाल। ये दाल हमने कुकर में चढ़ा दिया है, 2 कटोरी दाल डाल के। उसमें मैंने हल्दी डाल दिया था और थोड़ा काट के हरा मिर्चे डाल दिए हैं, नमक डाल दिया है। बाकी इसको हमें फ्राई करना है, फिर मैं फ्राई करूँगी तो फिर मैं आपको दिखाऊँगी। ये मेरा पक रहा है चावल। इधर मेरे दूध उबल रहे हैं। चावल में हम डालेंगे जीरा। ये देखिए, ये हमने थोड़ा सा जीरा लिया है जो हम चावल में डाल देंगे। चावल पक रहा है और इसमें डालेंगे हम घी 1 चम्मच। घी से चावल बहुत अच्छा और खिले खिले बनते हैं। ये है घी, इसमें हमने डाल दिया है। ये देखिए चावल मेरे पक रहे हैं और जीरा डाल देने से खाना हजम हो जाता है, कभी एसिडिटी या गैस नहीं बनता है। ये देखिए इसमें हमने डाल दिया जीरा और घी। अब ये चावल हमारे मुलायम और खूब बहुत अच्छे से खिले खिले पक जाएंगे। फिर हम जब ये पक के तैयार हो जाएगा फिर हम आपको दिखाते हैं। तो आप देख सकते हैं ये मेरे चावल जो है पक चुके हैं। ये देखिए एक एक चावल सब खिले खिले हैं। इसमें घी और ये देखिए घी डालने से चावल एकदम बिल्कुल मुलायम और खिले खिले पकते हैं। अब गैस को हमने बंद कर दिया है, चावल हमारे पक चुके हैं। इधर मेरे दूध खौल रहे थे, वो भी खौल चुके हैं, इसको भी हमने बंद कर दिया है गैस को। अब ये दाल है हमारे तूर के जो पक रहे हैं। अभी ये जब तैयार हो जाएंगे फिर हम इसको करेंगे फ्राई, फिर हम आपको दिखाते हैं। 2 सीटी हो गई है, 1 सीटी और इसमें आना है। तो आप ये देख सकते हैं दाल मेरा जो है बन के तैयार हो गया है। ये देखिए अब इसको हम करेंगे फ्राई, ये हम आपको दिखाते हैं। ये गैस को हमने कर दिया है ऑन और इसमें रखेंगे कढ़ाई। ये देखिए कढ़ाई हमने रख दिया है, अब इसको हम करेंगे फ्राई। ये देखिए हो गया है गरम। अब इसमें हम डालेंगे मस्टर्ड ऑयल। मस्टर्ड ऑयल का टेस्ट ही बहुत अच्छा आता है। ये देखिए हमने डाल दिया है 1 चम्मच ऑयल। अब ये हो जाएगा थोड़ा सा गरम। ये देखिए ऑयल हमारा गरम हो चुका है। इसमें हम डालेंगे 1 तेज पत्ता और 1 छोटा सा दालचीनी का टुकड़ा। अब इसमें हम डालेंगे ये जीरा, ये जो हमने लिया था फ्राई करने के लिए 1/2 चम्मच जीरा है, ये हमने डाल दिया है जीरा। ये देखिए अब इसमें हम डालेंगे 3 टुकड़े लाल मिर्चा, ये डाल दिया है। ये देखिए अब ये थोड़ा सा ब्राउन हो जाएगा, फिर इसमें हम डालेंगे प्याज। ये जो हमने प्याज थोड़ा सा काट लिया है और 3-4 लहसुन की कलियां हैं। ये देखिए अब इसमें हम डाल देंगे लहसुन की कलियां। ये देखिए हल्का ब्राउन हो चुका है। ये देखिए 2 से 3 मिनट तक हमने इसको भूना है। अब इसमें हम डालेंगे कुछ टमाटर। ये देखिए ये हमने डाल दिया है टमाटर, इसको थोड़ा सा हमें नरम करना है, गलाना नहीं है। ये देखिए ये देखिए इसमें टमाटर नरम हो रहा है, जिसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा कश्मीरी रेड चिली पाउडर। ये देखिए ये कलर के लिए अच्छा होता है, और रेड चिली पाउडर हम नहीं डालते हैं। 2 ग्रीन साबुत मिर्ची काट के डाल देते हैं, इसलिए हमारे बच्चे खाते हैं तो रेड चिली पाउडर डालने से तीखा हो जाता है। ये देखिए अब इसमें हम डालेंगे दाल। ये देखिए कितना अच्छा कलर आया है। ये देखिए अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा धनिया की पत्ती। ये आजकल की धनिया की पत्ती इतनी खराब आ रही है कि एक टाइम लो लो तो दूसरे टाइम फिर नहीं चल पाता है, बिल्कुल खराब हो जाता है। और इसमें हम डालेंगे अब अलग से 1 चम्मच घी। ये
हो गया मेरा दाल फ्राई। अब हम बनाएंगे अंडे की भुजिया, अभी हम आपको दिखाते हैं। ये हो गया है दाल फ्राई, अब इसको हम कर देंगे बंद। ये देखिए इसको हमने बंद कर दिया और ये कुछ छींटे पड़ गए, इसको हम साफ़ कर रहे हैं। मेरी आदत है बड़ी साफ़ सफाई करने की, गैस पे ज़रा सा कुछ गिर जाता है तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता है, मैं तुरंत उसको साफ़ करती हूँ, हमसे रहा नहीं जाता है ये गंदगी फैला के। ये देखिए हमने साफ़ कर दिया है, इसी साफ सफाई में कितना हम जल चुके हैं हाथ में। कहीं ये देखिए काले काले निशान पड़े, कहीं कुकर लग जाते हैं तो कहीं पतीलियां लग जाती हैं तो कहीं कुछ लग जाते हैं। ये दाल हमारा फ्राई हो गया है, गैस को गैस हमारा ऑन था, ये हमने पैन रख दिया है। ये अब हम बनाने जा रहे हैं अंडा की भुनिया, जिसको भुजिया भी कहते हैं। ये हमने लिया है 4 अंडे, ये देखिए 4 अंडे की भुजिया हम बनाएंगे। और इसमें हमने लिया है 3 मीडियम साइज के प्याज, जिसको हमने काट लिया है, और 3 हरी मिर्च लिया, इसको भी हमने बीच से फाड़ के बारीक बारीक काट लिया है। और हमने लिया है 1/2 टमाटर, ये देखिए इसको भी छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिए हैं। अब हम बनाना शुरू करते हैं। गैस को हमने हाई फ्लेम पे कर दिया है, अब इसमें हम डालेंगे तेल। अब इसमें हम डाल रहे हैं ऑयल, ये मस्टर्ड ऑयल, हम खाना मस्टर्ड ऑयल में ही ज़्यादा बनाते हैं। ये देखिए ये हमने डाल दिया है 2 चम्मच ऑयल, ये देखिए अभी थोड़ा सा गरम हो जाए फिर हम दिखाते हैं। ये देखिए ऑयल हमारा गरम हो चुका है, अब इस गैस को हम लो पे कर देंगे। अब इसमें डाल देंगे हम प्याज, प्याज और हरी मिर्च। इसको हम थोड़ा सा ब्राउन करेंगे, ये हल्का सा ब्राउन हो जाएगा फिर हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए लाइट ब्राउन हो चुके हैं। ये देखिए आमलेट या अंडे की भुनिया कभी भी बनाइए तो प्याज को ज़्यादा ब्राउन ना करिए, बस लाइट ब्राउन करके फिर बनाइए। अब इसमें हम डालेंगे 1/2 चम्मच से आधा अदरक लहसुन का पेस्ट, अभी हम दिखा रहे हैं आप लोग को। ये देखिए 1/2 चम्मच से आधा अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें जाएगा। और इसमें कुछ मसाले हैं जो हमने लिया है, ये देखिए ये वाइट पेपर पाउडर है जो 1/2 चम्मच से आधा लिया है, और हल्दी पाउडर है वो भी 1/2 चम्मच से आधा है, और ये गरम मसाला है वो भी 1/2 चम्मच से आधा है, और ये चिकन मसाला है ये भी 1/2 चम्मच। ये देखिए इन सबको हम मिला देंगे। ये देखिए इन सबको हम मिला के 2 मिनट तक भून लेंगे। और इसमें हमने थोड़ा सा जीरा पाउडर डाला है, उसको हम बताना भूल गए। ये देखिए ये देखिए अब इसमें हम डालेंगे ये टमाटर, ये देखिए मसाले सब मिक्स हो गए हैं, बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही है। अब इसमें हम डालेंगे अंडे, जो हमने अंडे लिए थे 4, इसको हमने फोड़ के फेंट लिया है यानी बीट कर लिया है। ये हमने डाल दिया अंडे, ये देखिए सारे अंडे हमने डाल दिया है, और इसको जो है हम चलाएंगे। ये देखिए अंडे भुनिया का जो है भुजिया का दाल चावल के साथ खाने का मज़ा ही कुछ और होता है। ये देखिए मुझे सर्दी हो गई है, खांसी आ रही, ये देखिए इसको हम चला रहे हैं। ये देखिए उलट पलट के छोटे छोटे टुकड़ों में ये
बारीक कट हो जाएंगे। इसको ऐसे छोड़ देंगे तो ये ऑमलेट टाइप बन जाएगा। ये देखिए हमने छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है। इसमें हमने डाल दिया था आधा एक चम्मच से थोड़ा कम नमक। ये देखिए इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा धनिया की पत्ती। ज़्यादा धनिया की पत्ती हमारे पास था नहीं, जो भी था वो भी ख़राब हो गया था आधा ज़्यादा, जो था वो हमने डाल दिया है। इसको हम बिल्कुल लो फ्लेम पे कर दिए हैं कि हल्का हल्का ये ब्राउन हो जाए, गोल्डन हो जाए। ये देखिए फिर हम आपको दिखाते हैं अंडे की भुजिया और दाल चावल। आज हमने रोटी नहीं बनाई, हमारी तबीयत थोड़ी सही नहीं थी, सर्दी हो गई है, ठंड लग गया है, इसलिए हमने जो है आज रोटी नहीं बनाया। ये देखिए ये मेरा जीरा राइस और ये दाल फ्राई और ये अंडे की भुजिया, ये मेरा बनके सब तैयार हो गया है। और ये सलाद है, ये देखिए ये खाने में बहुत टेस्टी और यमी है। और कुछ दिनों से हम लोग हैवी खाना खा रहे थे तो मैंने सोचा आज थोड़ा हल्का बना लूँ। ये देखिए तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा कितना टेस्टी ये दिख रहा है जीरा राइस। ये देखिए दाल फ्राई, जीरा राइस, अंडे की भुनिया और सलाद, ये आप देख सकते हैं। चलिए अब अपनी वीडियो को यहीं पे हम एंड करते हैं।